एक रहिए, नेक रहिए। बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज जमकर हुंकार लगाई है, जमकर गरजे हैं। क्या कुछ कहा है एक बार दिखाते हैं आपको, एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए, चर्चा सहयोगियों से भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ की हुंकार, एक रहिए नेक रहिए, एक रहिए और नेक रहिए। जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। पत्थरबाज और उपद्रवियों का एक ही उपचार, बीजेपी सरकार। ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है और वह है, भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। झारखंड के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। कोडरमा हजारीबाग के बड़का गांव और जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने लोगों से जातियों में नहीं बंटने की अपील की। बड़का गांव में उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में मत बंटिए। विपक्ष के लोग बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवा रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो घरों में घंटी और शंख नहीं बज पाएगा। बंटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर, आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से, यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। जमशेदपुर के आम बगान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर प्रहार किया। हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहन और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर करारा वार किया। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी नीरा यादव और परकट्ठा के उम्मीदवार अमित यादव के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह आलमगीर आलम ने झारखंड को लूटा है। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने, और दूसरा
झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर भी हेमंत सरकार पर प्रहार किया। कोडरमा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में बालू माफिया फल फूल रहे हैं। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। जमशेदपुर में योगी आदित्यनाथ ने जमशेदपुर पूर्वे के प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू, जमशेदपुर पश्चिम के सरयू राय, पोटका से मीरा मुंडा और जुगसलाई के रामचंद्र सहिस के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वहीं देश के 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़, भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा है दुनिया के अंदर। एक किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सभा में उमड़ी भीड़ से बीजेपी में उत्साह है। हजारीबाग के बड़का गांव में योगी की सभा में लोग बुलडोजर लेकर भी आए थे। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, बल्कि हिंदू की धार्मिक यात्राओं को रोकने पर भी सवाल उठाए। भारत माता की ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो आपने सुन लिया बुलडोजर वाले बाबा की हुंकार, एक रहिए नेक रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। एक बार रुक करते हैं मनोज का, जमशेदपुर में आज योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी, एक बार मनोज का रुक करते हैं। मनोज, क्या माहौल था जब योगी साहब वहां पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब पहुंचे जमशेदपुर, वहां पर दो दो विधानसभा क्षेत्र, जमशेदपुर पूर्वी हो या जमशेदपुर पश्चिमी हो, मनोज आपको आवाज मिल रही है? अच्छा, मनोज से हमारा तकनीकी संपर्क टूट गया है। तो योगी आदित्यनाथ की हुंकार झारखंड के रण में आज हो चुका है। जो दिख रहा है वो सीधा सीधा निशाना बिल्कुल साफ है। जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, पत्थरबाज और उपद्रवियों को एक ही सरकार रोक सकती है, एक ही उपचार है बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की हुंकार। बड़ी आशंका जता दी है उन्होंने कि मंदिरों की और शहरों की घरों की घंटियां और शंख बजने बंद हो जाएंगे, जो आशंका जता रहे हैं तीक्ष्ण आशंका है ये। और फोन लाइन पर हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं जमशेदपुर से, हमारे सहयोगी। मनोज, आज योगी आदित्यनाथ की जमशेदपुर में हुंकार दूर दूर तक सुनाई दे रही है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जनसैलाब उमड़ा है, क्या कह रहा है जमशेदपुर मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का इंतजार लोगों को था, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जमशेदपुर पहुंचे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आम लोगों के अंदर जो एक उत्साह है वो देखते बन रहा था। लोग योगी को सुनने और देखने के लिए दूर दूर से पहुंच गए और जमशेदपुर, मानो कि पूरा जमशेदपुर में एक कुंभ का मेला लग गया हो वैसा भीड़, और यहाँ तक कि लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यानी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग बुलडोजर से पहुंचे और बुलडोजर पर चले रहे हैं,
और लोगों के अंदर एक उत्साह, उनके जाने के बाद भी तरह तरह की चर्चा है। और क्योंकि ये फायर ब्रांड लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, जब वो पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पे ये भाजपाइयों के अंदर एक जोश और एक उत्साह जो है वो भर कर चले गए। और उत्साह इतना कि लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये दोनों सीट ही नहीं, ये चारों सीट जिन सीट पर को लेकर ये पहुंचे थे, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और पोटका और साथ साथ जुगसलाई, तो चारों सीट को इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि अब जीत तय है। क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे, और आज योगी आदित्यनाथ के हुंकार के बाद एक अंदर से जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है वो आज देखने को मिला कि जब कार्यक्रम में पहुंचे तो वो उत्साह कार्यक्रम के बाद और ज्यादा उत्साह। लोग ये समझ रहे थे कि योगी के आने के बाद निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक उत्साह भरना चाहिए वो आज यहाँ पर देखने को मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ युवाओं में ज्यादा क्रेज था इनका योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा उत्साहित थे योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, सुनने के लिए। उनके एक एक भाषण को लोग अपने मोबाइल में कैद करते रहे, उनके एक एक गतिविधि को लोग अपने मोबाइल में कैद करते रहे। आम लोग, कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दें, मीडिया की बात छोड़ दें, लेकिन आम लोग कैद करते रहे ताकि उनके जाने के बाद भी उनके भाषण को हम सुने और कम से कम समझे कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये झारखंड के लिए ही नहीं, उन्होंने देश की बात भी कही, पाकिस्तान की भी बात कर दी। और साथ साथ अभी घुसपैठी को लेकर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, उस मुद्दे को भी इन्होंने सीधे तौर पर पकड़ा। और साफ इरफान अंसारी को भी, सिर्फ इरफान पर भी एक हमला बोलते हुए इन्होंने बोला। और साथ साथ लोगों के अंदर एक जो उत्साह भरने का काम किया वो वाकई देखने लायक था। जी बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं एक उत्साह भरने का काम किया लगातार। बीजेपी को एक एज मिलता सा दिखाई दे रहा है झारखंड में, जिस रफ्तार से बीजेपी के स्टार प्रचारक झारखंड आ रहे हैं और जनता के साथ उनका जुड़ाव हो रहा है, जनता जो समर्थन दे रही है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है। आज खड़गे साहब के कार्यक्रम में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी मिलकर भीड़ नहीं जुटा पाई, और यहाँ योगी साहब हो या मोदी साहब हो, जो भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हो, हर सभा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जनता का विश्वास बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बार परिवर्तन की लहर शायद नजर आने लगी है। बहुत धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत भी जुड़ गए हैं गिरिडीह से। श्रीकांत, योगी आदित्यनाथ का आना, कोडरमा, बड़का गांव, जमशेदपुर में जो चुनावी सभाएं हुई, एक निशाना साधते हुए साफ दिखे, साफ लगा कि एक रहिए, नेक रहिए, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को और उपद्रवियों पर अगर काबू पाना है तो एक ही उपचार, बीजेपी की सरकार, नहीं तो घरों में घंटियां और मंदिरों में शंख बजने बंद हो जाएंगे। बड़ी आशंका जता दी है। ये देखिए अभिषेक, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी दहाड़ जो है वो कोडरमा के आसपास के इलाकों में दिखाई है, निश्चित रूप से एक बड़ी जनसभा, चूंकि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनकी सभाओं में लोग अनवरत चले आते हैं उनको सुनने के लिए, और भीड़ जो है उनकी एक दीवानगी रहती है, और उनके बयान जो हैं वो राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके कई मायने निकाले जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज झारखंड की धरती पर जो दहाड़ भरी है, जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, चाहे जो घुसपैठ का मुद्दा हो, या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पत्थरबाज जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके से आज खुले मन से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक रहिए, नेक रहिए, इन सब सारी चीज़ों के कई मायने निकाले जाते तक हैं। और आज से जो राजनीतिक रंग दिखना चाहिए था चुनाव का, ऐसे तो पीएम मोदी और अमित शाह की सभा हुई थी उसके बाद से लग रहा था कि अब पूरा जो यह राजनीतिक कैंपेनिंग है वो अपने पूरे खुमार पर आ चुका है। एक तरफ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी लगातार अपनी सभाओं में जो है वो गरज रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि एक रहिए, नेक रहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में अस्तित्व पर सवाल उठेगा, तो इस तरीके से उन्होंने जो अपनी सभाओं में लोगों को संबोधित किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और अब जो डिमांड आने लगी है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अब अलग अलग इलाके से वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके इलाके में भी योगी आदित्यनाथ का कैंपेन हो, चुनाव प्रचार प्रसार हो, ताकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ
फायर ब्रांड और खुले मन से वो सीधे तौर पर बिना कोई लाग लपेट के और बिना कोई पहेली बुझाए हुए वो सीधा हमला बोलते हैं। वो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप अभी नहीं संभल पाइएगा तो आने वाले भविष्य को लेकर जिस तरीके से वो उन्होंने चिंता जताई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर, उन्होंने खुले मन से आरोप लगाया कि आजादी के बाद से आज तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उन्होंने खुले मन से आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, देश को बांटने का, लोगों को बांटने का, समाज को अलग थलग करने का, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने खुले मन से कह दिया है कि अब बारी आ चुकी है, झारखंड के लोग अब जा चुके हैं और यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और यह चुनाव बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा। झारखंड में विकास का पैमाना हो या जिन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के हालिया दिनों में मामले सामने आए हैं उसका जो जांच है, उसकी जो जांच कई तरह के मामलों से, इन सारे मामलों कई तरह के मामलों पर हमला बोला है आज योगी आदित्यनाथ ने, और एकदम स्पष्ट जो आपने कहा बिना लाग लपेट के बिल्कुल सीधे सीधे हमलावर भी दिखे, तेवर भी आक्रामक दिखे। इस चुनाव में जो सबसे अहम बात है कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के तेवर तर्क दिखाई दे रहे हैं, आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, और जनता में भी सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति जो असंतोष है वो खुलकर सामने आ रहा है, इसलिए जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है स्टार प्रचारकों को देखने के लिए। बहुत धन्यवाद श्रीकांत, वक्त की पाबंदी है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।